हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल लवर वे एंड फैक्ट्स पर। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि एक जू के शरीर पर टोटल 32 दिमाग होता है? और क्या आपको यह पता है कि कैलेंडर पर एक ऐसा तारीख है जिस तारीख पर एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ था और उसी सेम तारीख पर और एक महान साइंटिस्ट का डेथ भी हो गया था? आज की इस वीडियो पर आप ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एंड रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे जानने के बाद आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। नंबर 7, चिप्स के पैकेट के अंदर की हवा। क्या आपको यह लगता है कि चिप्स के पैकेट पे हवा भर के कंपनी वाले थोड़ा सामान को बड़े बड़े पैकेट पे दिखा के आपसे पैसा चाप रहा है? वेल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो जनाब, क्योंकि वह हवा पैकेट को बड़ा बनाने के लिए नहीं है बल्कि प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई नॉर्मल हवा नहीं है, नाइट्रोजन गैस है जो चिप्स को प्रिजर्व करने के साथ साथ क्रिस्पी भी रखता है। अगर हवा नहीं भर दिया जाता तो फ्रेंड्स, चिप्स चिप्स नहीं रहता, टूट के चिप्स पाउडर बन जाता या फिर बैक्टीरिया उसे खा के खत्म कर देता। नंबर 6, एंशियंट रोमन लोग अपने दांत क्लीन करने के लिए खुद का या फिर किसी और जानवरों का पेशाब इस्तेमाल करते थे। इसे सुनकर तो बहुत लोगों का उल्टी आ सकता है, पर यार जो भी हो, उन लोगों के टैलेंट को तो सेलिब्रेट करना होगा, क्योंकि आज के मॉडर्न साइंस के जमाने पे हमें पता है कि अमोनिया को एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है, पर वह बात रोम के लोगों को बहुत पहले से ही पता था। यूरिन पर मौजूद है अमोनिया और इसी की वजह से यूरिन कर देता है दांत को सफेद। एंड फ्रेंड्स, फॉर बेटर रिजल्ट, उन लोगों ने तो यूरिन को किसी कंटेनर पे कुछ दिनों के लिए रख दिया था ताकि उस यूरिन पे अमोनिया का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए और उन लोगों का दांत ज्यादा से ज्यादा सफेद कर सके। नंबर 5, क्या आपको पता है कि आपकी आंखें लाल हो जाते हैं जब ज्यादा देर तक आप स्विमिंग पूल पर ठहरते हो, नहाते हो या फिर जो कुछ भी करते हो? साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं विद फुल एक्सप्लेनेशन। इस ब्रह्मांड पर बहुत लोग हैं ऐसा जिन लोगों को स्विमिंग पूल पर सुसु कर कर आता है बड़ा मजा, या फिर उन लोगों को स्विमिंग पूल से बाहर आने से लगता है बहुत आलसी। मुझे नहीं पता कौन सा रीजन है असली, पर इतना जरूर पता है कि कुछ लोग हैं जो स्विमिंग पूल पर खुद को सुसु करने से रोक नहीं पाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूरिन पर मौजूद है अमोनिया और इसी अमोनिया के साथ पानी पर मौजूद क्लोरीन रिएक्ट करके क्लोरोएमाइन फॉर्म कर देता है और इस क्लोरोएमाइन आंखों पे घुसने से आंखें लाल हो जाता है। नंबर 4, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपने 19th के साइंस पे जरूर पढ़ा होगा और आपको यह भी तो पता होगा कि 118 एलिमेंट्स है और उन सारे एलिमेंट्स का एक एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे कि हाइड्रोजन का H, हीलियम के H, लिथियम के Li, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि उन 118 एलिमेंट्स का जो शॉर्ट फॉर्म है, उन शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स है सिवाय एक अल्फाबेट, और वह अल्फाबेट्स है जे। वेल, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही नहीं, सारे एलिमेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने से भी जे अल्फाबेट एक बार भी नहीं आता। मुझे नहीं पता जे और पीरियोडिक टेबल के बीच में कौन सा दुश्मनी है, अगर आपको बताया तो नीचे कमेंट करके बताइए। नंबर 3, ये जो एनिमल आप देख पा रहे हो उसका नाम है लीच, हिंदी पे उसे कहते हैं जू। और एक लीच के शरीर पे टोटल 32 सिगमेंट्स होता है, उन सिगमेंट्स की वजह से वह बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसी की वजह से एक लीच चल पाता है, वरना लीच का तो कोई पैर ही नहीं है चलने के लिए। एंड फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीच के शरीर के हर एक सेगमेंट्स पे एक ब्रेन होता है, यानी कि 32 सेगमेंट्स पर 32 ब्रेन। नंबर 2, क्या आपको पता है कि सुबह और शाम के वक्त पे शाम को क्यों रेड ही दिखाई देता है? आप लोगों को तो यह जरूर पता होगा कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है ना, वह बाकी सभी कलर से ज्यादा होता है और बाकी पूरे दिन के कंपैरिजन से सुबह और शाम के वक्त पे शाम हमसे ज्यादा दूरी तक रहता है। ज्यादा दूरी और रेड के अलावा बाकी 6 कलर का वेवलेंथ इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से वह बाकी 6 कलर इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता और इसीलिए शाम को हमें रेड ही दिखाई देता है सनसेट एंड सनराइज के वक्त पर। नंबर 1, क्या आपको पता है कि 14th मार्च एक इत्तेफाक से भरा हुआ दिन है, क्योंकि 14th मार्च 1879 पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। एंड फ्रेंड्स, 14th मार्च 2018 पे और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की मौत हो गया था। एक ही तारीख पर एक साइंटिस्ट का जन्म और दूसरे का मौत। बस इतना ही नहीं, दोनों साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग की 76 साल की उम्र पर डेथ भी हुआ था, या कोई इत्तेफाक से कम है क्या? बस इतना ही नहीं, 14th मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है और उस पाई का जो वैल्यू है ना, उस तारीख के साथ बहुत रिलेट करता है। पाई का वैल्यू है 3.14 और उसे मनाया जाता है मार्च 14 यानी कि तीसरा महीना 14 तारीख को। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ठोको लाइक। आज का लाइक हम रखते हैं 21 लाइक्स, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। अगर आपने ऑलरेडी अपर वेन फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो फिर थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ के बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।